तो मैं शुभेंदु सुना फिर से एक नया बोर्ड लेके वीडियो लेके आया हूँ और नया बोर्ड भी साथ में। ठीक है, हमारा जो ये बोर्ड है आज हम 25 पिन सॉकेट, 5 स्विच, 1 2 3 4 5, ठीक है, एक फ्यूज और एक इंडिकेटर क्या वायरिंग कैसे करते हैं। ये वीडियो से बड़ा ही बनेगा क्योंकि मैं इसमें आज इन्वर्टर कनेक्शन के बारे में भी बात करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे बताया कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि फ्यूज से मुझे कनेक्शन लेके जाना है सर्किट पे नीचे में, वैसे निचले टर्मिनल में ही रहेगा जो हमारा मेन आएगा, वो हमेशा निचले टर्मिनल में रहेगा। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, वायरिंग पहले करते हैं बिना इन्वर्टर का। ठीक है, उसके बाद मैं इन्वर्टर वाला वायरिंग करूँगा और साथ में बल्ब जला के भी दिखाऊँगा, क्योंकि मैं इससे पहले वीडियो में इन्वर्टर के बारे में सोचा था पर नहीं बनाया। बोर्ड के बारे में धीरे धीरे मैं बता ही रहा हूँ। तो चलिए पहले इसे कर देते हैं। तो इसका लाइनिंग के लिए मैं एक वायर मेरे पास है थोड़ा कटा हुआ, आप लोग पहले बता चुके हूँ किसे छिलके डालना है। ठीक है, आप लोग पहले के पुराने वीडियो देख के, और जो हमारे चैनल पहली बार आया आज, ठीक है, हमारे चैनल को देख ले, समझ ले, अगर उनको पसंद आता तो सब्सक्राइब कीजिए। हम फिलहाल ये सर्किट में ले आते हैं। ठीक है, ये सर्किट से ये सर्किट ले आएंगे, फिर यहाँ पे ले आएंगे, हमें कैसे भी करके कुछ तक इसको पहुँचाना, हमारे यही टारगेट है। हम ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी ला सकते हैं, किसी भी हमें नीचे के टर्मिनल को सारे कनेक्ट कर देना है, दूसरे शॉर्ट रखना है बस। तो वायर इसके लिए भी ले आता हूँ मैं, इसको पहले शॉर्ट करा दे रहा हूँ। जो नीचे का टर्मिनल रहेगा ना उसको सिर्फ शॉर्ट कराना है, कहीं से भी कराए, ठीक है, इधर से कराए जो उधर से कराए, अब आपको जिधर सुविधा हो अब उसके हिसाब से कर ले अपना। ठीक है, आपको जहाँ से सुविधा हो रहा है, आपको अगर सुविधा हो रहा है कि यहाँ से ले जाए यहाँ पे करे, फिर यहाँ शॉर्ट कराए, फिर यहाँ से यहाँ ले आए, यहाँ ले आए, आपके जैसे सुविधा हो उसके अनुसार आप काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। और मैं भी वहाँ से फ्यूज तक ले जाना है मुझे, तो इसे काट लेता हूँ। फ्यूज से मुझे इंडिकेटर तक भी लाना होगा, उसका वायर काट लेता हूँ। ये वीडियो शायद थोड़ा बड़ा बन जाए आज, ठीक है, आप पूरा देखिएगा तो आपको समझने में आराम होगा। जैसे बहुत जन जो है जो पहले से रजिस्ट्रेशन काम कर रहे हैं, जैसे मेरे एक सब्सक्राइबर है राहुल जी, ठीक है, वो बहुत अच्छी तरह से काम जानते भी है और उनका भी खुद का भी चैनल है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने फील्ड में। ठीक है, नए इलेक्ट्रिशियन को या नए यूट्यूबर उनको बहुत सपोर्ट भी करते हैं। मैं आगे वीडियो में उनका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप उनके चैनल भी जाके एक बार देखिए, सर्च कीजिए, अच्छा लगेगा, वहाँ भी आपको सीखने लायक बहुत सी बातें मिलेगी। ठीक है, हम फ्यूज से एक शॉर्ट करा के इंडिकेटर में ले आया है। ठीक है, ये हमारा सर्किट का हो गया, अब हमें न्यूट्रल का काम करना है। 5 पिन का सर्किट भी मैं डाल ही देता हूँ अभी, इसके लिए मैंने टुकड़ा पहले से काट लिया था, हमें राइट में देना है। ठीक है, हमेशा राइट में, मैं भी लेफ्ट में दे रहा था इसलिए मुझे याद आ गया। और जब भी 5 पिन सॉकेट में डाले तो उसका जो सर्किट के थ्रू जो शॉर्ट कराइएगा हमेशा राइट में कराइए।
सब्सिट्यूट करा देंगे। इसका राइट यहाँ पड़ रहा, ठीक है, इधर से राइट इसका यहाँ ये पड़ रहा, तो इसमें डाल देंगे ये टर्मिनल में। ये मैंने मेन का काम कर लिया, ठीक है। अब हमें न्यूट्रल का काम करना है, तो न्यूट्रल के लिए मैं दूसरा ब्लू वायर ले लेता हूँ, ठीक है। बस ब्लू वायर के मेरे पास कुछ टुकड़ा है, तो मैं फ़िलहाल इसका यूज कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे एक शॉर्ट कराना है इंडिकेटर में, ठीक है। तो मैं एक वायर ले लेता हूँ ब्लू का, मैंने काट लेता हूँ पहले से। समय इंडिकेटर में ले जाना है, ये हमारा काम बोर्ड का वायरिंग का। फिलहाल हमारा इतना ही काम रहता है, इसके बाद हमें मेन वायर लाना है, तो मैं मेन दो वायर ले आता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं दो वायर यूज़ कर रहा हूँ, ये पीला को मेन में डालूंगा, जो हमारा फ्यूज में आएगा, फ्यूज के थ्रू सप्लाई होगा ये सर्किट में, फिर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ से ये सर्किट यहाँ आ रहा है, यहाँ से फिर इसमें सप्लाई कर रहा है, तो मैं फ्यूज में डाल देता हूँ पहले। फ्यूज में डाल दिया, और दूसरा जो न्यूट्रल है वो मैं कहीं भी डाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ भी डाल सकता हूँ, यहाँ डाल सकता हूँ, यहाँ डाल सकता हूँ, ये सब छिलके मैं बीच में कहीं भी डाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। तो मैं फिलहाल इंडिकेटर में डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, इसको मैं बोर्ड में डाल दे रहा हूँ, हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया। इसको मेन बोर्ड में हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये बोर्ड हमारा चालू हो गया, क्योंकि फ्यूज मैंने पहले से बांध रखा था। ठीक है, मैं इसे चेक करके आपको बता देता हूँ। मैंने टेस्टिंग होल्डर ले लिया, ये हमारा कनेक्शन सही है। ये भी सही है, ठीक है। स्विच को भी हम लोग चेक कर लेते हैं, मैं सब स्विच चेक कर लेता हूँ, सब स्विच को ऑन कर देता हूँ, ठीक है। वो ऑन ही है मैं, और बाकी को ये जो स्विच है ये तीनों काम करते हैं। वो वाइप फैन के तो मैं चेक फिर कर ही दिया था, ठीक है। इसके लिए मैं सर्किट और न्यूट्रल, न्यूट्रल हमारा यहाँ आया, ये देख सकते हैं, अभी हमारा लगता है ऑफ हो गया, ठीक है। ये रहा हमारा न्यूट्रल यहाँ है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये हमारा हो गया।
कहीं आपको अगर इसमें इन्वर्टर कनेक्शन करना, ठीक है, इन्वर्टर में अगर ये दो छोड़ के आपको ये दो 5 पिन सॉकेट, ठीक है, ये दो 5 पिन सॉकेट और इसमें ये स्विच में आपको अगर इन्वर्टर कनेक्शन करना, तो कुछ करना नहीं है, जो हमारा ये मेन वाला वायर आ रहा, ठीक है, जो मेन वायर आया है ये देख सकते हैं, इसको हम लोग कटिंग कर लेंगे, इसको ऐसे हटा लेंगे और उसकी जगह हम लोग इन्वर्टर का वायर डाल देंगे। तो मैं पहले बोर्ड से कनेक्शन निकाल देता हूँ, अब हम क्या करेंगे इसको निकाल लेते हैं, इसे काट लिया, हटा देता हूँ, बाद में मैं इसे ठीक कर लूँगा। अब इसे हमें क्या करना है, इसके जगह ये हमारा मेन से सप्लाई हो जाएगा, ये दोनों स्विच पे जब लाइन रहेगा तब हमारा चलेगा और लाइन कटने के बाद इसमें चलेगा। तो फिलहाल मैं जो ये सर्किट आएगा, ठीक है, नीचे वाला जो है, इसमें क्या करना है, मैं इन्वर्टर कनेक्शन दे, तो इन्वर्टर के लिए मैं एक वायर ले लेता हूँ, ये ब्लैक वायर का मैं इन्वर्टर के लिए यूज कर रहा हूँ। और मैं जो हमारे घर में जो इन्वर्टर कनेक्शन आया जो स्विच में, मैं ये तीनों मैं किसी में भी डाल सकता हूँ, ये कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिलहाल इसमें डाल देता हूँ। और जो ये कनेक्शन आया इसको मैं अपने इन्वर्टर प्लग में डाल देता हूँ, ठीक है, और ये दोनों मेन का भी जो कनेक्शन था वो भी मैं डाल देता हूँ। अब चेक कर सकते हैं, ये हमारा इसमें मेन आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा शायद, ठीक है, फ्यूज के थ्रू हमारा इसमें भी मेन आ रहा है और इसमें इन्वर्टर के थ्रू आ रहा। तो ये इन्वर्टर कनेक्शन के थ्रू मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, अब मैं जो हमारा लाइन आ रहा है जो मेन पावर है उसको मैं काट लेता हूँ, ठीक है, आप इंडिकेटर बुद्धि आप देख सकते हैं। अब क्या ये दोनों में कनेक्शन में लाइन नहीं आ रहा होगा, ये तीनों में हमारा इन्वर्टर के चक्कर में लाइन आ रहा है, बस नॉर्मल इतना ही काम करना है इन्वर्टर कनेक्शन में, आपको और कुछ अधिक दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, चलिए, धन्यवाद।